फ्रेंड्स, मैग्नेट मीन्स चुंबक को तो आप सभी जानते ही हैं, पर इसकी खोज के बारे में नहीं। इसकी खोज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैग्नेट की खोज मैग्नेट नामक एक बुजुर्ग चरवाहा ने की थी, वो भी करीब 4000 साल पहले। उत्तरी ग्रीस के एक क्षेत्र में ये चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने जा रहा था, तभी उसके जूते पर पत्थर के कुछ टुकड़े चिपक गए। हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जूते का सोल लोहे का बना था। फिर उसने वहाँ खुदाई की, जिससे उसे और भी वो पत्थर मिले जिसे हम मैग्नेटाइट के रूप में जानते हैं। फिर ये पत्थर अंधविश्वासों से गिर गया। इससे आत्माओं को बुलाने, भूत भगाने का काम किया जाने लगा और बहुत वर्षों तक यह पत्थर इसी रूप में काम आता रहा। फिर बहुत समय बाद इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ने करीब 17वीं शताब्दी में इस पर रिसर्च की और इसे मैग्नेट के रूप में पहचान दिलाई। इन्होंने 17 ईयर तक इसके गुणों का अध्ययन किया। फ्रेंड्स, ये थी मैग्नेट की कहानी। फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चुम्मा मांग दीवानो मारो से किसी दी।